हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालीन पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पशु परिचर परीक्षा 2024 की तैयारी। तो सब्जेक्ट मैथ, और मैथ में हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आइए आज हम संख्या पद्धति से संबंधित यहाँ चार सवालों को हल करते हैं, किस प्रकार से ये हल होते हैं एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल है 170 और पहली संख्या हमें दी है 5। पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, गुणनफल में पहली संख्या का भाग लगा देना है। जो संख्या हमें यहाँ दी जाती है उस संख्या का भाग गुणनफल में दे दीजिए। अगर पहली यहाँ है तो पहली, और दूसरी हो तो दूसरी, कोई सी भी संख्या हो वो उसका भाग हम इसमें गुणनफल में देते हैं तो पूछी जाने वाली संख्या का मान आ जाता है। तो देखिए, 5 का भाग इसमें देते हैं तो कितना आता है, 3 5 15, 3 5 4 20, 34 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये हमारे लिए क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, वो संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो ऑप्शन नंबर ए में है, 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः 2 और 7 से विभाजित है। 2 और 7 दोनों से विभाजित होना चाहिए। देखिए, 7 की भाजकता का नियम और 2 की भाजकता का नियम दोनों को देखना है हमें। तो देखो इसमें क्या है, 7 और 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, 14 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि दोनों का गुणज है 14। अब देखो इसमें कौन सी संख्या है, अगर हम इसमें देखें तो क्या है, 2 का तो भाग इसमें जा रहा है क्योंकि एकाएक अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखते हैं 7 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता है। देखिए, 7 दूनी 14 हो जाता है, लेकिन 4 बचता है और 4 ये हैं अपने हो गए 44। 7 के भाग में 44 नहीं आते, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। इसमें देखते हैं तो 7 का तो भाग इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या भी नहीं है। अब इस संख्या को देखते हैं, इसमें 2 का भाग जा रहा है, एकाएक अंक 2 आ रहा है, तो 2 का तो जा रहा है, 7 का देखते हैं तो कितना आता है, 7 9 63 और कितना बचा, 4 उतारे 2 42 हो गए, 7 6 42। अब देखिए इस संख्या के अंदर क्या है, 14 का भी भाग जा रहा है, क्योंकि 14 का पहाड़े में क्या आता है, ये संख्या आ जाएगी अगर भाग दे तो। दे के देख सकते हैं आप, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से एक परिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पूछ रहा है कि नहीं है, कहीं आप ऐसा देख लो कि परिमेय संख्या है, तो नहीं है वाली संख्या देखना है जो परिमेय नहीं हो। तो देखिए, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारे लिए सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इन चार सवालों में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। आप वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।